यह है कैमन कैमैक्स हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि यह एक सिंक्रोप्टर है, यानी कि इस पर एक नहीं बल्कि दो दो रोटर्स लगी हुई हैं जो इंटरमैशिंगली एक दूसरे को मिस करते हुए घूमते हैं। देखने से ऐसा लगता है मानो ब्लेड्स आपस में टकरा जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैमैक्स 2700 किलोग्राम वेट को लिफ्ट करने में सक्षम है, और इसे मैनुअली पायलट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका यूज़ करती है US मरीन कॉर्प्स। इसे पावर करते हैं हनीवेल T-53 टर्बोशाफ्ट इंजन्स। लोड के साथ में ये सिंक्रोप्टर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, और आज तक इसने कभी भी 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस नहीं किया है। इसकी रेंज है 560 किलोमीटर, और ये हर घंटे 322 लीटर का फ्यूल जो है उसका कंजप्शन करता है। ये दूसरे हेलीकॉप्टर से ज़्यादा मैन्यूवर में आसान है, और इसीलिए इसे बैड वेदर में और इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। यह है कैमन कैमैक्स हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि यह एक सिंक्रोप्टर है, यानी कि इस पर एक नहीं बल्कि दो दो रोटर्स लगी हुई हैं जो इंटरमैशिंगली एक दूसरे को मिस करते हुए घूमते हैं। देखने से ऐसा लगता है मानो ब्लेड्स आपस में टकरा जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैमैक्स 2700 किलोग्राम वेट को लिफ्ट करने में सक्षम है, और इसे मैनुअली पायलट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका यूज़ करती है US मरीन कॉर्प्स। इसे पावर करते हैं हनीवेल T-53 टर्बोशाफ्ट इंजन्स। लोड के साथ में ये सिंक्रोप्टर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, और आज तक इसने कभी भी 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस नहीं किया है। इसकी रेंज है 560 किलोमीटर, और ये हर घंटे 322 लीटर का फ्यूल जो है उसका कंजप्शन करता है। ये दूसरे हेलीकॉप्टर से ज़्यादा मैन्यूवर में आसान है, और इसीलिए इसे बैड वेदर में और इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ किया जाता है।